हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजर व्यू की। रेजर व्यू क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हम जो अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम व्यू मॉडल की हेल्प से अपने डेटा को कंट्रोलर से व्यू पे हम ट्रांसफर करते हैं या फिर पास करते हैं। सो अगर आपने व्यू मॉडल के बारे में जानना है, अगर आपको व्यू मॉडल क्या होता है इसके बारे में पता करना है, तो आप जो हमारी जो लास्ट वीडियो है उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने डेटा को अपने व्यू पे पास करते हैं कंट्रोलर से, एंड नाउ हम अब देखने वाले कि कैसे हम जो अपने इस कस्टमर की लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराने वाले हैं। सो डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो रेजर व्यू के अंदर जो सिंटेक्स होता है वो होता है एक फोरिच ब्लॉक, ठीक है। तो फोरिच होता है एक फोरिच, आपको पता होगा जैसे सी शार्प के अंदर फोर होता है, ऐसे ही एक फोरिच होता है, ठीक है। फोर के अंदर हम हमारी लिमिट होती है कि हमारा इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ही रन होगा फोरिच, लेकिन फोरिच के अंदर हमारी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप में जैसे यहाँ पे देखोगे कलेक्शन लेता है, जितने भी आपके डेटा होगा उस कलेक्शन के अंदर वो सारे डेटा को ही प्रिंट करा देगा। मीन्स ये तो इस तरीके से जितने भी डेटा होगा, जितना भी डेटा इसको मिलता है उतने ही डेटा को यहाँ पे नीचे प्रिंट करा देता है। तो ये इसका एक मतलब इसका एक फंक्शनलिटी होती है इस फोरिच की। सो देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इसको उठा लेते हैं कॉपी कस्टमर, ये होता है अपना मॉडल डॉट कस्टमर्स, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे अपने इस जो भी आपका कस्टमर है उनके नेम को यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप यहाँ तो चाहे अपना जो नॉर्मल जो है एचटीएमएल भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप रेजर यूज़ करते हो। एचटीएमएल लाइक जैसे पी आपको मतलब पैराग्राफ, या पैराग्राफ के अंदर आपको उसका नेम प्रिंट कराना। तो नेम प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एट द रेट का सिंबल लगाना है, देन उसके बाद आइटम, जो भी आपका आइटम है, आइटम मीन्स जो या कोई वेरिएबल है जो आपका, देन डॉट एंड जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराना है नेम, क्योंकि हमें कस्टमर का नेम प्रिंट कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। और आप रेजर का सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मीन्स आप एस टी एम एल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे से रेजर का होता है टेक्स्ट एरिया, अगर आपको टेक्स्ट एरिया के अंदर प्रिंट कराना, सेम यहाँ पे इसको प्रिंट कराने का तरीका सेम होता है, लेकिन जो आपको एस टी एम एल टैग यूज़ करना है आप एस टी एम एल टैग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेजर का सिंटेक्स यूज़ करना है तो आप रेजर का सिंटेक्स कर दो। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हो। और एक आपको यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इस फोर इच लूप को डिक्लेयर करने के बाद उसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करना मस्ट होता है, अदरवाइज ये जो है एरर दे देगा। अगर आप सी शार्प यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप यूज़ करो मत करो इन कर्ली ब्रेसेस का, लेकिन रेजर सिंटेक्स के अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस जरूर लगाने हैं यहाँ पे, अदरवाइज जो है रेजर सिंटेक्स हमारा एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। देन सो इस टाइप के आप जो यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं। सपोज करो आपको ये जो कस्टमर की लिस्ट है वो आपको एक लिस्ट में प्रिंट करानी है, कस्टमर का जितना डेटा है वो आपको लिस्ट में प्रिंट करानी है एस टी एम एल लिस्ट में। सो जैसे हो गया अपना यू एल, ठीक है, एंड इसको उठा के मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यू एल के अंदर होता है एल आई, जो हमारा बेसिक एस टी एम एल होता है वो यही होता है, ठीक है। बेसिक एस टी एम एल में अंदर जो हम लिस्ट बनाते हैं वो सब चीज़ें अगर आपको यहाँ पे चाहिए, सो आपको उठा के यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी जो लिस्ट है और डेटा कस्टमर्स की जो लिस्ट है प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, एंड सेव। सेव करने के बाद आपको आना है अपने ब्राउजर पे, या फिर आपको ब्राउजर ऑलरेडी रन नहीं है तो आपको उसको रन कर देना है। सकता कि हमारे पास अभी यहाँ पे एक वैल्यू थी तो अभी एक आ गई। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू एड करता हूँ यहाँ पे अपनी जोन हो गया अपना, यहाँ पे दो तीन वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो सेमी कॉलम आएगा। कॉम आएगा, सेमी कॉलम नहीं कॉम आएगा, सॉरी। यहाँ पे इस टाइप से आपको लगा देना है एक तरीके से जो है एक फॉर्मेट में हो जाए, सही चलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो ऐड कर दिए हैं। क्या हो रहा है भाई, ठीक
ठीक है, मल्टीपल वैल्यू ऐसे करती है, जोन की जगह मैं रखता हूँ यहाँ पे मार्क, यहाँ पे रखता हूँ सीमित, यहाँ पे रखता हूँ अगेन, यहाँ पे अगर ले देता हूँ आईडीज़ जो आप उनके चेंज कर देते हैं, यहाँ पे किसी की 2 है, किसी की 212 है, 111 है, बस ये वाले। एंड सेव, सेव करने के बाद आपको वापस से सोल्यूशन को बिल्ड करना है, बिकॉज आपने कंट्रोलर पे चेंजेस किए हैं। सोल्यूशन को बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना अपने पेजेस को। जो भी आपके कस्टमर की लिस्ट होगी वहाँ आपको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में जो कस्टमर यहाँ पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कस्टमर की लिस्ट है वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से जो हम जो अपने कस्टमर को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने MVC एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ रेजर सिंटैक्स। सो उसके बाद हम जो यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं रेजर सिंटैक्स के अंदर। उसको लगाने का तरीका क्या होता है, सेम जो भी रेजर सिंटैक्स होता है आपको एट द रेट साइन से स्टार्ट होता है, देन इफ, ठीक है, इस टाइप से। ये जो आपका सिंटैक्स होता है वो हमेशा एट द रेट से स्टार्ट होता है, तो इस टाइप से आप कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन के जैसे कि सपोज करो इफ, अगर आपका जो मॉडल ही है, अगर आपका जो मॉडल है डॉट काउंट, इसके काउंट अगर ग्रेटर देन 5 है या फिर ग्रेटर देन आपका 8 है, तभी आपको जो ये लिस्ट दिखे, अगर उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड है या फिर मैं इसको बोल सक, ठीक है, अदरवाइज आपको ये लिस्ट ना दिखे, ठीक है। अगर लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है, 8 से ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो ही आपको एक कस्टमर की लिस्ट दिखेगी, अदरवाइज आपको कस्टमर की लिस्ट नहीं दिखेगी। तो इस टाइप की कंडीशन को आपको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो इफ एल्स का, जैसे आप नॉर्मली सी शार्प के अंदर करते हो। एंड यहाँ पे आप अपना टैग यूज़ कर सकते हो जो आपका रेजर का टैग होता है टैक्स, ठीक है, एंड इस टाइप से, जस्ट ए मिनट, ठीक है। सो देयर इज नो कस्टमर फॉर दिस मूवी, ओके। सो आप इस तरीके से अपने जो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। अगर आपका 8 से ज़्यादा है तो आपको दिखेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं दिखेगा। जब आप इसको रन करोगे तो आपके जो है वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके जो यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई है, तो आप कंडीशनली रेंडर कर सकते हो अपने को, अपने यहाँ पे किसी कंडीशनली से स्टेटमेंट आप लगा सकते हो रेजर सिंटेक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अब पी पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ तो आपको इस तरीके से वो मैसेज दिखा देगा। सो इस तरीके से आपको जहाँ पे मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन स्टेटमेंट। अगर आपको कोई भी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है यहाँ पे इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वेरिएबल बोल दे सकते हो, या फिर आप अगर आपको मल्टी कमेंट करना है, मीन्स कमेंट कैसे करते हैं रेजर व्यू के अंदर, सो आपको स्टार, सॉरी एट द रेट स्टार एंड स्टार एट द रेट, तो इस तरीके से जो आपको है मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं, ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सो मल्टी लाइन कमेंट्स इन रेजर, तो इस तरीके से आप जो मल्टी लाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं यहाँ पे रेजर के अंदर। और उसके बाद अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो रेजर व्यू पे, तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको एट द रेट करली ब्रेसिस स्टार्ट करना है, एंड इसके अंदर आप कोई भी यहाँ पे जो अपने सी आपके जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो कि उस टाइप से आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो कोई भी, जैसे हो गया नम, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको एट द रेट इस जो करली ब्रेसिस होते हैं उसको स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। एंड कंडीशन स्टेटमेंट लगाने के लिए आपको ये फाइल्स का इस टाइप से आपको डिक्लेयर करना पड़ता है रेजर व्यू के अंदर। एंड लिस्ट प्रिंट कराने के लिए आपको फोर इंच का यूज़ करना पड़ता है इस टाइप से जो मैंने आपको दिखा दिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।